A bullet of mass 5 gram traveling with a speed of 210 meter per second strikes a fixed wooden target. One half of its kinetic energy is converted into heat in the bullet, while the other half is converted into heat in the wood. क्या ये पॉसिबल है? आधी एनर्जी इसने ले ली, आधी इसने ले ली, तो थोड़ी सी एनर्जी साउंड में और वहाँ पे चिंगारी निकलती है उसमें भी तो जाती है. तो ठीक है, क्वेश्चन बनाने वालों ने बनाया है. द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इट्स मटेरियल इज इतनी इज क्लोज टू. तो यहाँ पे आपको यही करना है कि हाफ एम वी स्क्वायर जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी उसका हाफ विल बी यूज्ड इन एम एस डेल्टा टी. यूनिट्स का ध्यान रखना, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. देखते हैं किस तरीके से. तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में खुद फॉर्मूले में होता है हाफ, तो हाफ इंटू हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. अब आपको लगेगा मास से मास कट जाएगा इस तरीके से. वैल्यूज रखना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर. यू की वैल्यू कितनी है? 210 मीटर पर सेकेंड. 210 मल्टीप्लाइड बाई 210 डिवाइडेड बाय नीचे 4 आ जाएगा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी लिखी हुई है? 0.030 इज इक्वल टू डेल्टा टी. और यही हो गई गलती. ऐसा नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? यहाँ पे जब देखो मास से मास कट जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमें सारी की सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में रखनी चाहिए. ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कितनी है, ये 0.03 कैलोरी पर ग्राम, उसको ऐसा यूनिट में लेके आओ. तो 0.03 कैलोरी पर ग्राम है, इसको लिखो 0.03 कैलोरी पर ग्राम. इसको ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 कैलोरी पर किलोग्राम. और इसको आप जूल में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 30 × 4.2 जूल पर किलोग्राम. क्या अब ये ऐसा यूनिट्स में आ चुकी है? यस. तो हमें यहाँ पर यही वाली वैल्यू रखनी है. इसको हम नहीं रखेंगे. हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 21 × 21 × 100 डिवाइडेड बाय 4 × 30 × 4.2. इस 4.2 × 30 इसको मैं लिख दूंगा 3 × 42. ये 7 से कट जाएगा 3 times, ये 7 से कट जाएगा 6 times, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा नीचे 2, यहाँ बचेगा 7. हमारे पास आंसर क्या जाता है? 700 / 8 विच इज इक्वल टू 87.5 degrees Celsius. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. तो एक काम करते हैं और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जहां पर स्प्रिंग्स का यूज हुआ है. A massless spring of spring constant K is equal to 800 Newton per meter attached with a mass of 500 gram is completely immersed in 1 kilogram of water. The spring is stretched by 2 centimeter and released so that it starts vibrating. What would be the order of magnitude of the change in temperature of the water when the vibration stops completely? Assume that the water container spring receives negligible heat. Specific heat of mass is itne joule per kg Kelvin. Specific heat of water hume di hui hai. और हमें यहाँ पर ऑर्डर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस करनी है, सिर्फ ऑर्डर बताना है. तो देखो उसमें पूछा क्या जा रहा है हमसे, इस तरीके से आप समझो, यहाँ पर एक कंटेनर है, उसमें इस तरीके से स्प्रिंग रखी है, यहाँ पर एक ब्लॉक है और यहाँ पर हमने उसको कुछ स्ट्रेच करके इस तरीके से छोड़ दिया. तो हमने उसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी दी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वही धीरे धीरे डिसिपेट होती जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो ब्लॉक फाइनली रुक जाए. तो वो जो एनर्जी थी हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर, वही एनर्जी का यूज़ हो जाएगा किसमें? एम एस डेल्टा टी. लेकिन दो मास है हमारे पास, है ना, एक वाटर का यूज करना है, एक ब्लॉक का यूज करना है. कंटेनर और स्प्रिंग को इग्नोर कर देना. तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. कैसे आया? यहां पर सॉल्व करेंगे. हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू M1S1 डेल्टा टी प्लस M2S2 डेल्टा टी. ध्यान देने की बात यह है कि दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना है, तो डेल्टा टी दोनों के लिए बराबर हो जाएगा. तो डेल्टा टी को हम बाहर निकाल देते हैं. M1S1 मास ऑफ वाटर कितना है? पहली बात तो 1 किलोग्राम. तो 1 × स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो ऐसा यूनिट में लेके चलते हैं सब कुछ, तो वो हो जाएगी 4. अब हमको देखो अप्रॉक्सीमेशन ही किया है तो ये इतने डिटेल वाली वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, मैं 4200 ही ले लूँगा यहाँ पे. प्लस
एम टू की वैल्यू कितनी है, हाफ, है ना, तो ये हो जाएगा हाफ। एस टू की वैल्यू कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी है 400, और ये हमारे पास हो जाएगा इस तरफ आएगा हाफ। के की वैल्यू कितनी है 800, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन 2 नहीं लेंगे, ऐसा यूनिट में लेके आओ 0.02 का स्क्वायर। यहां से हमें पता चलता है 400 इंटू 4 इंटू 10^-4 इज इक्वल टू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय 4200 प्लस 200। तो इफेक्टिवली आप देखोगे उस ब्लॉक का छोटे से का अगर मैं इग्नोर भी कर देता तो हमारे आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है, पर हम अभी इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 × 4 × 10^-2 डिवाइडेड बाय 4400। यहाँ पर ये कट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 1100, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 4 / 1.1 × 10^-5 आ जा रहा है ना, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 × 10^-5 आएगा। ऑर्डर हमसे पूछा है ना, तो 10^-5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If a quarter of the gravitational energy is absorbed as heat energy by a metal ball, find the rise in temperature if it falls from a height of 10 meter. Specific heat इतनी है। तो यहाँ से हमारे पास 10 meter की height से वो गिर रहा है 10 meter, और उसका 1/4, a quarter मतलब 1/4 will be used to increase its temperature. तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर option है, गलती मत करना, वीडियो को pause करो, question को solve करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया देखो, हमें बहुत ही सिंपल इक्वेशन लिखनी है, एम जी एच इसका 1/4 विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, फिर से मास यहाँ पर कट जाएगा, हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आती है जी एच अपॉन 4s। वैल्यूज रखेंगे, जी की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 4, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 1, और इससे हमारा आंसर आता है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसआई यूनिट में लेनी थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है, 1 J/g C, उसको एसआई यूनिट में लेके आओ, तो वो हो जाएगा नीचे किलोग्राम करने की ज़रूरत है, ये तो जूल का जूल है, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 1000 J/kg°C। अब हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी जी एच अपॉन 4s, यानी कि 10 × 10 / 4 × 1000, और न्यूमेरिक वैल्यू वही होगी 0.025 °C आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 0°C फॉल्स फ्रॉम ए हाइट सच दैट 5% ऑफ द आइस मेल्ट्स, अज्यूमिंग द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड इज कंज्यूम्ड बाय द आइस, फाइंड द हाइट द ब्लॉक फेल फ्रॉम। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे यार, बहुत ही आसान है, यहाँ से कहीं से वो गिरा है इस तरीके से, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, उसका यूज कर लिया है, एंटायरली यूज कर लिया है, उससे 5% आइस मेल्ट हो गई है, तो दिस टोटल एनर्जी विल बी क्यू, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो एनर्जी का यूज़ कहाँ पे हुआ है। देखो 0° पे थी, कोई टेम्परेचर में चेंज हुआ है, खाली 5% मेल्ट हो गई है, तो कुछ मास होगा जो कहलाएगा 0.05 × m, ये इस मास का 5% यहाँ पर हो गया है, इनटू यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम यूज़ करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन का आंसर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1.68 km। कैसे आया, देखो वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, एम की वैल्यू यहाँ पर देखो फिर से कट गई है इस तरीके से, जी की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू हमें पता करनी है इज इक्वल टू 0.05, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वैल्यू तो दी नहीं है, हमारे लिए वैल्यू हमें पता है वो होती है 80
कैलोरी पर ग्राम डिग्री सॉरी 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 80 कैलोरी पर ग्राम हमें किलोग्राम में लाना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। तो 80 इंटू 1000 कैलोरी पर किलोग्राम। अभी भी एक कैलोरी है तो 4.2 जूल पर किलोग्राम अब हमारी सही यूनिट आ गई है। यहाँ से हाइट की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो एक 10 से मैं अगर ये एक जीरो काट भी दूँ तो यहाँ पर ये सारे मिलकर के हो जाते हैं हमारे 50 × 8 × 4.2। इसको आप लिख दोगे 100 × 4 × 4.2 या फिर आप लिख दोगे 16.8 आता और मल्टीप्लाई कर दोगे उसको 100 से तो आ जाएगा 1680 मीटर या फिर 1.68 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एंड कन्वर्ट्स कंप्लीटली इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस फाइंड द हाइट। तो इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पर कुछ बर्फ थी वो नीचे गिरती है और यहाँ पर वो पानी बन जाती है। तो ये जो Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू mgh, उसकी वैल्यू हो जाने वाली है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कहाँ से, 0 डिग्री पे होगा यहाँ पे पानी और उसके बाद वो बढ़ के 10 डिग्री सेल्सियस पे भी हो गया है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 37.8 किलोमीटर। कैसे आया, वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन तो हम लिख ही चुके हैं, यहाँ पर आप देखोगे मास से मास से मास सारे के सारे मास कट जाते हैं, हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है h इज इक्वल टू एल एफ प्लस एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय जी। सारी की सारी वैल्यूज हमें याद भी हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये होता है हमारे पास 1 कैलोरी पर ग्राम, पर उनको सबको हमें ऐसा यूनिट में लेके आना पड़ेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसकी वैल्यू हो जाएगी 80 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू 80,000 कैलोरी पर किलोग्राम और यहीं पे इसको और 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 80,000 × 4.2 जूल पर किलोग्राम। सिमिलरली एस को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा होता है 1 कैलोरी पर ग्राम विच इज इक्वल टू 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। वैल्यूज रखनी है, बस यहाँ पे आ जाएगा ये 80,000 × 4.2 प्लस एस की वैल्यू कितनी है 4200 × टेम्परेचर चेंज है 10। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4200 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर बचता है 80 + 10। साथ में ये जो नीचे ग्रेविटी से हमें डिवाइड करना था उसको मैं पता नहीं क्यों यहाँ पर भूल गया। तो वैल्यूज रखते हैं 4200 × 90/10 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे तो याद है 37.8 किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से इंक्लाइन पे भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ 50% ऑफ द एनर्जी लॉस्ट टू फ्रिक्शन हीट्स अप द स्लाइडिंग ब्लॉक फाइंड द राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, सरक रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन काम करेगा इस तरीके से, है ना, और फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2। अब मैं ये चेक करना भूल गया कि ये 0.2 फ्रिक्शन पे ये नीचे आ जाएगा क्या पर ठीक है, मान लो ये यहाँ से इस तरीके से नीचे आया है, इसकी हो सकता है कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो और यहाँ पर इसके ऊपर पीछे की तरफ फिर फ्रिक्शन आके इसको रोक देगा यहाँ पर। तो जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इतना है जो कि पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्रिक्शन का फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन का फोर्स जो लग रहा होगा वो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ हो रहा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो जो एनर्जी का लॉस हो जाएगा उसके लिए हम एफ इंटू डी कर देंगे। क्या करेंगे, एफ इंटू डी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है 0.08 डिग्री सेल्सियस। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। फ्रिक्शन का फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मास से मास की वैल्यू कट जाएगी, हमारे पास म्यू की वैल्यू 0.2, ग्रेविटी की वैल्यू है 10, कॉस थीटा, अरे भाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 37 का है, तो हो जाता है 4/5। डी की वैल्यू है 10 मीटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है 0.2 जूल पर ग्राम, तो इसको ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा, तो 0.2 इंटू 1000 कर दोगे तो हो जाएगा इतने जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, तो वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 200 डेल्टा टी। यहाँ पर देखो ये 00 से ये 00 इस तरीके से कट जाता है, 0.2 से कट जाता है 10 टाइम्स, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/50, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 8/100 विच इज इक्वल टू 0.08 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर। अब आप बोलोगे कि यार ये इतनी ऊपर से आया लेकिन इसका टेम्परेचर तो इतना कम बढ़ा, इसको तो हम शायद इंसान सेंस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर गर्म होता है हाथ, उसको हम सेंस कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो यहाँ पर जो हमारा हाथ गर्म होता है, तो अगर मान लो ये हमारा हाथ है, सिर्फ वो सरफेस गर्म हो रही है यहाँ पर, तो हीट एनर्जी भले ही हमारी कम हो लेकिन उसे पूरा का पूरा हाथ नहीं गर्म करते, सिर्फ सरफेस गर्म हो रही होती है, इसीलिए वो ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है। और हमारे सेंसर्स भी टेम्परेचर के यहीं पर हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर ही सेंसर लगे हैं, थोड़ा सा भी राइज होता है उसको तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाता है। देखो हाथ को घिस रहे हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में खत्म हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यार हाथों में खुजली हो रही है, लगता है पैसे आने वाले हैं कहीं से, तो प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ ना कुछ डोनेट करो, सपोर्ट करो क्रैशअप को, सपोर्ट करो फ्री एजुकेशन को सभी के लिए। और ये जो वीडियो आपने देखा ये था हमारी YOLO JEE सीरीज का, तो पूरी की पूरी सीरीज एब्सोल्युटली फ्री है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।